आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपनी लीलाओं के लिए भक्तों के मन में जगह बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है और श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर, जन्माष्टमी के अवसर पर अनेक आयोजन किए जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जन्माष्टमी के अवसर पर शिव की नगरी सिवनी के अनेक देवालयों में साफ सफाई होना आरंभ हो गई, जन्माष्टमी की तैयारियाँ आरंभ हो गई हैं। दुर्गा चौक स्थित श्री कृष्ण मंदिर बहुत ही पुराना है। इसके अलावा मठ मंदिर, ऐतिहासिक मठ मंदिर जहाँ पर शिवलिंग विराजते हैं, वहाँ का मठ मंदिर का कृष्ण मंदिर भी हमने आपको दिखाया। शिव की नगरी में अनेक भगवान श्री कृष्ण के अनेक देवालय हैं और इन देवालयों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात जबरदस्त भक्तों की भीड़ उमड़ती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। विद्वान जानकार ये बताते हैं कि 26 अगस्त सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वहीं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और कर्मस्थली मथुरा और वृंदावन में 26 के साथ 27 अगस्त मंगलवार को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस साल सरकारी स्तर पर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के अवसर पर अनेक आयोजन करने के निर्देश भी सरकारी स्तर पर जारी किए गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2024 के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव के अवसर पर मनाई जाने वाली जन्माष्टमी बहुत भव्य स्वरूप में मनाई जा सकती है। मान्यता है कि रात 12 बजे के उपरांत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। माता देवकी के द्वारा उन्हें जन्म दिया गया था और भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि उन्होंने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि 7 पुत्रियों के बाद 8वां पुत्र जन्म लेगा और वो उनका काल बनेगा। इसलिए कारागार में कंस के द्वारा अपनी बहन को डाल दिया गया था। 7 पुत्रियां एक के बाद एक वहां जन्मी और उसके बाद 8वां पुत्र जैसे ही जन्मा, उसकी कथा बहुत रोचक है। जैसे ही पुत्र जन्मा वैसे ही सारे द्वारपाल सो गए और भगवान श्री कृष्ण के पिता उफनती हुई नदी यमुना को पार करने के लिए जब गए तो यमुना उनके घुटनों के ऊपर नहीं आई। ये इस तरीके की लीलाएं पौराणिक कथाओं में मिलती हैं और आप देख सकते हैं बाज़ार में आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव पर मनाई जाने वाली जन्माष्टमी के अवसर पर सामग्रियां भी बाज़ार में बिकने के लिए आ चुकी हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शिव की नगरी का बाज़ार हम आपको दिखा रहे हैं। बाज़ार में जो सामग्रियां बिक रही हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, रात 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सनातन धर्म के अनुयायियों के द्वारा अपने अपने घरों पर मनाया जाता है। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र आभूषण सब कुछ बाज़ार में बिकते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये शहर का मुख्य बाज़ार और मुख्य बाज़ार में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर जो भी सामग्रियां लड्डू गोपाल पहनते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण को जो भी सामग्रियां प्रिय हैं वे सारी सामग्रियां यहां आपको दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही हांडी पर्व मनाया जाता है। उसके संबंध में भी, जन्माष्टमी की कथा और दही हांडी के संबंध में भी हम आपको पृथक से जानकारी देंगे। आप दूसरी खबर में ये दोनों जानकारियां देख सकते हैं। रात 12 बजे के बाद इस तरीके की मान्यता है कि ककड़ी खीरे को काटकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। वैसे
सनातन धर्म में मिठाई खिलाकर जन्म मनाया जाता है, जन किसी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है, पर वर्तमान परिवेश में उस मिठाई का स्थान केक ने ले लिया है, जिसका विरोध प्रतिकार अनेक धर्मगुरुओं के द्वारा किया जाता रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यदुवंशी समाज के द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे सभी धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण के जीवन से अनेक प्रेरणाएं लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन लोगों के लिए प्रेरणा का सबब भी रहता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं को लोग अपने बच्चों को बहुत चाव से सुनाते हैं और बच्चे भी बहुत रोचकता के साथ उन लीलाओं को सुनते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शिव की नगरी में सभी धर्म संप्रदाय के त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। सोमवार 26 अगस्त 2024 और मंगलवार 27 अगस्त 2024 दोनों दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। देखिए लड्डू गोपाल आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे लड्डू गोपाल, और वहाँ उनके बर्तन भी रखे हुए हैं, बहुत सारी पूजन सामग्रियाँ भी यहाँ पर बिकती हुई आपको दिख रही होंगी। लड्डू गोपाल के वस्त्र भी यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। दीवार पर लगाने वाले स्टिकर्स और वस्त्र, बहुत सारी सामग्रियों से अटा पड़ा है शिव की नगरी का बाजार। मुख्य बाजार बुधवारी बाजार, भैरवगंज, छिंदवाड़ा चौक, डोंडा सिवनी, बारह पत्थर, बाहुबली चौराहा, हर जगह भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों के लिए सामग्री लोगों के द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठानों पर रखी गई हैं। भक्त आकर उन सामग्रियों को लेकर जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर जो कपड़े, उनके परिधान बहुत सुंदर सुंदर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर भी सड़क पर टेबल लगाकर एक महिला बैठी हुई हैं और वे सामग्रियों को बेच रही हैं। 26, वैसे जानकार विद्वानों का कहना है कि 26 तारीख को सोमवार के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 27 तारीख को दही हांडी स्पर्धा के लिए सर्वोत्तम दिवस होगा। ये जानकार विद्वानों का ये कथन है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बाजार सज चुके हैं, देवालयों की में साफ सफाई और तैयारियां लगातार जारी हैं। जिस तरीके की तैयारी हो रही है, उस तरीके की तैयारियों को देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि इस साल 2024 में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पिछले सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे और भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां सनातन धर्म के द्वारा, अनुयायियों के द्वारा की जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी लेकर। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।